कोविड की वजह से 2 साल बाद छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सुबह से ही हमने देखा कि पूरे छात्र छात्राओं में काफी उत्साह इस चुनाव को लेकर देखने को मिला है। अभी अगर देहरादून की मैं बात करूं तो एसजीआरआर पीजी कॉलेज में एबीवीपी का पूरा पैनल तमाम पदों पर जीत दर्ज कर चुका है। अगर डीएवी पीजी कॉलेज की बात की जाए तो डीएवी में अभी अध्यक्ष पद सहित कुछ पदों पर एबीवीपी आगे चल रही है। उधर डीबीएस कॉलेज की अगर बात की जाए तो वहां पर एनएसयूआई आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी कुछ देर बाद ही ये नतीजे सबके सामने होंगे कि कौन से पद पर किसकी जीत दर्ज होती है। पूरे प्रदेश कर बात की जाए तो ज्यादातर कॉलेजों में जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। हालांकि देहरादून के एसजीआरआर कॉलेज में कुछ हंगामा भी दो गुटों में हो गया था, उसके बाद पुलिस ने बमुश्किल सबको शांत कराया। फिलहाल 2 साल के बाद जो आज चुनाव का माहौल था वो कॉलेजों में देखने को मिला है, और जिस तरीके से छात्र और छात्राएं एक बड़ी संख्या में चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने यहां पर पहुंचे हैं, और उसके बाद एक ऐसे नेता का चुनाव जो उनकी समस्याओं को, कॉलेज की समस्याओं को, तमाम समस्याओं को सबके बीच लेकर जा सके, उसके चुनाव करने के लिए आज भारी संख्या में प्रदेश में मतदान भी हुआ है। ऐसे में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पर रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन जो बड़े कॉलेज हैं वहां पर अभी लगातार काउंटिंग जारी है और आज ही यहां पर भी रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। फिलहाल प्रदेश में अगर मिली जुली स्थिति देखें तो एबीवीपी का काफी सीटों पर अच्छा कब्जा रहा है, लेकिन एनएसयूआई ने भी काफी सीटों पर अपना परचम लहराया है। सहयोगी मनोज रावत के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।